हेलो गाइस, वेलकम टू दी कस्टम्स ऑफ एस्पर्डस। तो पिछली बार की कॉमेंट्री के लिए मुझे माफ़ करना। आई नो इट वॉज बैड बट स्टिल फॉरगिव मी बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट कॉमेंट्री, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। प्लीज एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू। तो ये हमारे कस्टम्स का नवा दिन है। आई नो आई एम लेट बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम टू अपलोड दिस। आई एम रियली सॉरी एंड दिस रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो डन बाई एस्पर्डस लॉर्ड, सो क्रेडिट्स टू हिम, थैंक यू। तो हमारी एक रेस्क टीम अभी जॉर्जिया पुल में उतर चुकी है, जहाँ पे वो पूरे अकेले हैं और दूसरी कोई टीम भी नहीं आई। रियली लकी फॉर देम। अगर उनकी टीम पे हम नज़र घुमाएं तो उनकी टीम में है क्रेज विष्णु, क्रेज डगोपी, क्रेज अर्पण और क्रेज अमन। तो अगर हम एस्पीडीएस की टीम को नज़र घुमाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो एस्पीडीएस की टीम है स्कूल के अपार्टमेंट्स के ऊपर से जा रही है। तो हमारे यहाँ पे जो एस्पीडीएस ग्रुप है उनको एक बगी दिख चुका है, तो वो बगी लेने जा रहे हैं और शायद वो बगी लेके दूसरे गाड़ियों की खोज में भी जाएंगे। तो हमारी ये रेड बी टीम जो अभी पोचिंग में उतरी है और पोचिंग की में उनके अलावा और कोई नहीं है। और हमारी सात नंबर वाली टीम क्रेज की टीम के बहुत ही करीब है और उनकी टीम में है डेड स्नाइपर, हिस पाइथन, हिस वेनम एंड डेड ट्रिगर। तो अगर हम 13 नंबर वाली टीम के ऊपर नज़र घुमाएं तो हम देख सकते हैं कि जो 5 नंबर वाली टीम है वो बहुत ही करीब है इनके, दोनों ही नोवो में है और इनको अभी कार 98 भी मिला है। तो इस मैच का फर्स्ट किल हो चुका है और हमें लॉर्ड आकाश जो है उन्होंने लॉर्ड रैक्सन आई थिंक उनके खुद के ही क्लैन मेंबर को मार चुके हैं क्योंकि वो दूसरी टीम थे ऑब्वियसली। तो ये रेड जोन अभी हमारी एस्पीडीएस टीम के ऊपर बढ़ चुका है और हम देख सकते हैं कि हमारी जो एस्पीडीएस टीम है गाड़ी लेकर लिपोप आई थी। तो हमारी क्रेज की टीम ने फ्लेयर गन चलाया था और उनके पास अभी फ्लेयर ड्रॉप भी गिर चुका है और उनके पास अभी कोई एनिमी या फिर दूसरे स्क्वाड मेंबर भी नहीं आए। तो हमारी सात नंबर वाली टीम को फ्लेयर ड्रॉप के बारे में पता चला और वो अभी जॉर्जिया पुल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर फ्लेयर नहीं लूटा तो क्या गुंडा मरेगा रे तू पबजी का। तो हमारे जो टेस्ट नहीं पड़े वो अभी जॉर्जिया पुल में एंटर कर चुके हैं और वो अभी वेयरहाउस में जा रहे हैं क्योंकि उनको एक बेटर रिकॉन चाहिए। तो हमारे जो ये डेस्ट स्नाइपर है वो अभी टीपीपी ले रहे हैं और टीपीपी लेने के बाद वो अभी दूसरे कंटेनर्स के ऊपर रश भी कर चुके हैं। और हमारी जो दूसरी टीम है वो उनको पता नहीं कि यहाँ पे डेस्ट स्नाइपर की टीम घुस चुकी है और वो अभी लूट रही है। सात नंबर की टीम अभी बहुत ही पीछे है और हमारी जो डेस्ट स्नाइपर है वो बहुत ही आगे निकल चुके हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो हम क्रेज के दो मेंबर अभी ड्रॉप के पास हैं और हमारे जो क्रेज दर्पण है वो डेथ स्नाइपर के बहुत ही करीब है। तो हमारे जो डेथ ट्रिगर है अभी बहुत ही पीछे है, अभी भी वो जॉर्जिया सिटी में अटके हुए हैं और हमारे डेथ स्नाइपर अभी वहाँ पे टीवीपी ले रहे हैं फिर से। और हमारी क्रेज की टीम सात नंबर वाली टीम को नोटिस कर चुके हैं और कभी कभी गोलियाँ भी चला रहे हैं। और हमारी क्रेज की टीम अपनी पोजिशन ले चुकी है, कोई कंटेनर के अंदर, कोई कंटेनर के ऊपर, कोई टावर के ऊपर। फिर से पोजिशन चेंज करने के बाद हमारे जो क्रेज अमन है उन्होंने हिस वेनम को थोड़ी सी हिट दी और हमारे जो हिस वेनम है वो अभी हील कर रहे हैं। तो हमारे जो डेड ट्रिगर है वो भी फाइनली जॉर्जिया पुल तक पहुंच चुके हैं और वो टीपी भी ले रहे हैं जस्ट लाइक डेड स्नाइपर। और हमारे हिस पाइथन के हाथ में अभी डीपी प्लस 4x है, वो अभी पीक लेने का है और सामने से विष्णु ने उनको नॉक कर दिया विद MT4। बहुत ही अच्छा शॉट, नॉक करने के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और वो अभी दूसरे कंटेनर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अमन और विष्णु अभी धीरे धीरे वेयरहाउस की तरफ बढ़ रहे हैं और वेयरहाउस के अंदर ही स्पाइडर अभी भी नॉक हुए पड़े हैं और उनको बचाने के लिए उनके मेंबर आ रहा है जो कि है डेड ट्रिगर। वेयरहाउस में पहुँचते हैं उन्होंने फर्स्ट इनको रिवाइव दिया और डेड स्नाइपर की बहुत ही अच्छे स्प्रे के बाद हमारे विष्णु को थोड़ा हेल्थ कम हुआ। तो इसके बाद विनम ने अमन को फिनिश किया, उसके बाद ही स्नाइपर ने अर्पण को नॉक किया। नॉक करने के बाद हमारे डेथ स्नाइपर ने उनके ऊपर रश कर दिया पर विष्णु ने उनको स्पॉट करके नॉक भी कर दिया।
डेथ स्नाइपर के नॉक होने के बाद ही हमारे जो हिस पाइथन है उन्होंने क्रेज विष्णु को नॉक कर दिया, और विष्णु के नॉक होने के बाद ही हमारे जो डेथ ट्रिगर है उन्होंने विष्णु को फिनिश भी कर दिया। वेरी गुड। तो हमारी क्रेज की टीम बहुत ही खराब सिचुएशन में है और हमारे हिस पाइथन अभी टावर में चढ़ने वाले हैं। तो हमारे हिस पाइथन अभी प्लान चेंज करते हुए अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं। तो उनके सामने अभी एक लूट बॉक्स पड़ा हुआ है जो अभी वो लूटने वाला है। तो हमारी क्रेज क्रीम अभी कंटेनर छोड़ के रिवर की तरफ आई है। तो अभी क्रेज दर्पण ओम प्लस 8x लेके उनकी तरफ दिख रहे हैं, उनको स्पॉट भी किया है, उसके साथ ही अभी विच का कवर भी लिया। तो हमारे डेड स्नाइपर अभी टावर के ऊपर गए हैं, पर ये उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि ओपोनेंट के पास IWM प्लस 8x है। और अभी क्रेज दर्पण उनकी तरफ ओम लेके ही देख रहे थे कि उनके पीछे से उनको पड़ी और वो नॉकआउट हो गए, पर फॉर्चुनेटली वो रिवाइव भी हो गए। इसके बाद वेनम ने डागा को नॉक किया, फिर अर्पन ने वेनम को भी नॉक कर दिया, फिर कवर देते हुए पाइथन ने अर्पन को फिनिश कर दिया। इसके साथ ही क्रेज का टीम खत्म हुआ। 7 नंबर टीम ने बहुत ही अच्छा खेला। तो अभी हम किल काउंट करेंगे, पाइथन का 2 किल, वेनम का 2 किल। तो अगर लॉर्ड की टीम पे वापस आए तो हम देख सकते हैं कि FCM इंसेंट जो है उनके बहुत ही करीब है और ये लोग अभी भी प्रीमोस में हैं। तो हमारी FCM टीम बहुत ही अच्छी गाड़ी लेके प्रीमोस की तरफ बढ़ रही है, या फिर ब्रिज की तरफ बढ़ रही है आप बोल सकते हैं, और इनके बहुत ही पास ही 13 नंबर वाली टीम भी है। और हमारे FCM इंसेंट यहाँ पे अकेले हैं और यहाँ पे अभी छोटे छोटे कॉलोनीज लूट रहे हैं। तो हमारी FCM टीम अभी गाड़ी लेके प्रीमोस पहुंची है और प्रीमोस में लॉर्ड की टीम भी है। इन्होंने अभी कैफे के पास गाड़ी रोकी और ये अभी कवर लेने के लिए इस घर में जा रहे हैं। लॉर्ड की टीम ने FCM की गाड़ी नोटिस की और यहाँ पे हमारे लॉर्ड एंस जो है यहाँ पे ग्रेफिटी लगा रहे हैं। 7 नंबर वाली टीम के पास वापस आए तो हम देख सकते हैं कि ये लोग अभी माउंटेन के ऊपर हैं और इनके पास ही 5 नंबर वाली टीम भी है। और हमने 7 नंबर वाली टीम इन लोगों को नोटिस करते हुए उनके पास रस करने के लिए आई है। हमारे पाइथन ने गाड़ी बहुत खराब जगह में रोकी थी इसलिए वो घर के अंदर ना घुस पाए और उनके पीछे से 5 नंबर वाली टीम के एक मेम्बर ने उनको नॉक किया। हमारी 7 नंबर वाली टीम में विनम को छोड़ के सब लोग नॉक हो चुके हैं और हमारी 5 नंबर टीम के 2 लोग नॉक हुए और एक बंदा मर चुका है। और उसके साथ ही विनम ने 5 नंबर टीम के यूजी को और फिनिश करने की कोशिश की पर नाकामयाब हुए। हमारे विनम अभी ऊपर से नीचे जम के अपनी टीममेट को रिवाइव करने के लिए और हमारे निंजा फैसो ने उनके ऊपर रस किया पर वो रस फेल हो गया और वो मर गए। और ऐसे ही हमारे 7 नंबर टीम ने बाजी मार ली। वेरी गुड, बैक टू किल काउंट्स। विनम का 4 किल, पाइथन का 2 किल और ट्रिगर का 1 किल। विनम ने पाइथन को 1 HP पे रिवाइव दिया और बाकी लोग अभी ब्लीड आउट हो रहे हैं और ब्लीड आउट की वजह से डेथ स्नाइपर भी मर गए। तो हमारी 3 नंबर वाली टीम अभी क्वाड में आई है और क्वाड में 9 नंबर वाली टीम या फिर FCM की टीम भी है। और उनके जस्ट पीछे ही 7 नंबर वाली टीम भी है। अभी FCM की टीम सैंडविच हो चुकी है, पीछे 7 नंबर वाली टीम और सामने 3 नंबर वाली टीम। तो यह फैल्कन और इनकाउंटर गाड़ी लेके जा रहे हैं और ग्रीन वायरस ने इसको नॉकडाउन कर दिया। फिर हमारी 7 नंबर वाली टीम के हिस पाइथन ने एडिस को फिनिश कर दिया और अभी हिस पाइथन के पास 3 किल्स है। हमारी 3 नंबर वाली टीम ने FCM की टीम को चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे फैल्कन ने 7 नंबर वाली टीम को नोटिस किया है जो कि दूर से मार रही थी। तो हमारे ग्रीन वाले सभी FCM टीम के एकदम पीछे है, अगर FCM की टीम चाहे तो इसके ऊपर रस कर सकते हैं। मोन लाइकली अभी 3 नंबर वाली टीम सैंडविच बन चुकी है। इन लोगों को नोटिस करते हुए FCM की टीम ने इनके ऊपर मॉली करने की कोशिश की पर वो मॉली फेल हो गया और हमारे 3 नंबर के ग्रीन वायरस उनके ऊपर रस करने के लिए आए पर उन्होंने नोटिस किया पे 3 लोग हैं। फिर हमारे ग्रीन वायरस के सक गए और वो घुस के 2 लोगों को नॉक कर देते हैं।
और दो लोगों को नॉक करने के बाद फेस भी कर देते हैं, पर मैट डार्की ने उसको नॉक कर दिया। ग्रीन वायरस ने बहुत ही अच्छा खेला, उनके पास अभी डोटो किल है और हमारे मैट डार्की उनको फिनिश करने के लिए आए, पर उनके ऊपर थोड़ी सी पड़ी और वो अंदर घुस गए। और अभी हमारे फैल्कन गिर के उठ नहीं पा रहे और हमारे इनकाउंटर भाई गाड़ी लेके ऊपर आ चुके हैं। मैट डार्की 1 HP पे थे, इसके बाद उन्होंने हील कर लिया। फिर वो हील करने के बाद अभी ग्रीन वायरस को फिनिश करने गए और उन्होंने फिनिश भी कर दिया। और यहाँ पैरा बॉय ने बाहर एक नेट फेंका पर वो गलती से मैट डार्की को लग गया, गलती से। पर उनके पास अभी एक किल आ चुका है, बहुत ही अच्छा है। और सेम की टीम भी अभी ख़त्म, किल काउंट कर लेते हैं। 3 नंबर टीम में इनकाउंटर का 2 किल, फैल्कन का 1 किल, पैरा बॉय का 2 किल और ग्रीन वायरस का 2 किल। और सेम की टीम में मैट डार्की का बस 1 किल है। तो हमारे FCM इंसान जो भी सर्वाइव कर रहे हैं अभी जोन के बाहर है और फैल्कन अभी उनके ऊपर एम लेके बैठे हुए हैं। मिनी के शॉट्स और DP के स्प्रे के बाद फाइनली वो मर चुके हैं। रियली गुड प्ले, बहुत ही सेफ खेले वो, पर अच्छा खेले। तो जोन अभी क्लोज हो रहा है और यहाँ पे 4 टीम अभी भी बाकी है और 3 नंबर वाली टीम और 7 नंबर वाली टीम बहुत ही करीब है। हमारे पैराबॉय के एक ही स्प्रे में 2 लोग नॉक हुए और हमारे फैल्कन की कार एक्सप्लोजन में पूरी टीम खत्म हुई। जोन क्लोज हो रहा है और हमारी 13 नंबर वाली टीम 6 नंबर वाली टीम के पास बढ़ रही है और फिर 3 नंबर वाली टीम ने भी 6 नंबर वाली टीम के ऊपर रस कर दिया। अब हुआ सैंडविच, हमारे पैराबॉय उतरते ही विवेक को नॉक कर दिया और हमारे लॉर्ड विजय ने पैराबॉय और फैल्कन को नॉक कर दिया और राप्चिक वाइट ने एनकाउंटर को फिनिश कर दिया। इसके साथ 3 नंबर वाली टीम ख़त्म होती है। अंस को छोड़ के लॉर्ड की पूरी टीम नॉक है और हमारे लॉर्ड अंस स्प्रे के लिए गई थी कि उनके ऊपर ही स्प्रे हो गया और इसके साथ ही 13 नंबर वाली टीम जीत गई, बहुत ही अच्छे। अगर किल काउंट्स में आए तो राप्चिक रेबल वाइटन ने 5 किल किया है, एड इजरेल ने 2 किल किया है, टीम फायर मेसवर ने 1 किल किया है और एड लुसवर ने 1 किल किया है। बहुत ही अच्छे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच।